गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फॉर फोर्थ क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, चैप्टर नंबर 6, दैट इज मैरी लेट्स। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हॉर्स के बारे में बताया गया है कि वो क्या फील करते हैं और किस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जा सकता है और किस तरीके से लोग उनके साथ ट्रीट करते हैं। सिर्फ हॉर्स की बात ही नहीं है, जैसे इसमें मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनके अलावा मैं आपको सिर्फ समरी समझाना चाहती हूँ यहाँ पे। बाकी चैप्टर आप अपने आप पढ़ोगे जिससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे स्टूडेंट्स, बाकी सभी एनिमल्स होते हैं, जैसा आप उन्हें ट्रीट करोगे वैसे ही वो आपके साथ रहेंगे। कभी भी एनिमल्स को ये नहीं हमें सोचना चाहिए वो एज अ लाइक अ मशीन है, उन्हें कंटिन्यूटी में वर्क कराया जाए। कभी भी एनिमल्स के साथ इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए। वो भी एनिमल्स है, उनमें भी जान होती है, वो भी थकते हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग की तरह ही है। उनको जितना काम कराओगे, जितना उनकी देखभाल कर पाओगे आप, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और उनके लिए भी, वो भी आपकी तरह वैसे ही करेंगे। अगर आप उन्हें बीट करना, मारना शुरू करोगे, जबरदस्ती काम कराना शुरू करोगे, तो वो भी जबरदस्ती वाला ही काम करेंगे। वो अपने अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टोरी में भी इस तरीके से ही है। मिस्टर बॉनफील्ड होते हैं जो एक विकर मींस होता है, जो चर्च में प्रेयर करते हैं, फादर जिन्हें आप बोल सकते हो, वही रहते हैं। उनकी जो फैमिली है बहुत बड़ी है, उसमें कौन कौन है, गर्ल्स बॉयज बहुत सारे बच्चे होते हैं वहां पे। वो क्या करते हैं, हमेशा हॉर्स पे हॉर्स का नेम है, वो उस पे हमेशा राइड करते हैं। और जो उसमें से एक बॉय होता है, वो हमेशा क्या करता है, अपना ही टर्न आने देता है, बाकी बच्चों का टर्न नहीं आने देता। वो हमेशा 2 आवर्स 3 आवर्स तक उस हॉर्स पे राइड करता रहता है कंटिन्यूटी में। और कभी कभार वो क्या करता है, एकदम उसने एक बार बाइट किया, बाइट बोल सकते हो, पिंच कर सकते हो आप, कि हाथ से जो चोटी काटना होता है पिंच करता है, तो मैरीलैंड को बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन सी होने लग जाती है, उसे इरिटेशन सी होने लग जाती है कि मतलब ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। अगर वो चाह रहे हैं कि मैं 2 घंटे तक या 3 घंटे तक उनके साथ ही राइड करता रहूं, वो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं स्लो हो जाता हूँ तो ये सारी हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस बच्चे को एक लेसन सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि जब एक दिन वो बॉय बहुत तेजी से उसे दौड़ा रहा होता है हॉर्स को, और स्टिक से बीट करना शुरू कर जाता है, कर देता है बीच बीच में, तो एट द लास्ट मैरी क्या करता है, उसमें उसे अपने बैग से गिरा देता है। क्यों गिरा देता है, कि वो ये सोचता है कि वो ये बोलते हैं, दो हॉर्स आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि क्या इन लोगों को यही लगता है कि एक जो छोटा सा हॉर्स है या कोई भी, या हॉर्स यंग है या ओल्ड है, वो हमेशा तेजी से ही भागता रहेगा, वो क्या एक मशीन है, वो कभी रुकेगा नहीं, उसको दिक्कत नहीं होती, आप उसे बीट क्यों कर रहे हो। तो जैसे ही वो उसे अपनी बैग से गिरा देता है, तो वो बच्चा उसे लेके मास्टर के पास जाता है कि मतलब आपके जो हॉर्स ने क्या किया थी। तो वो बोलते हैं कि ये जो आपके हाथ में स्टिक है, ये सिर्फ किसके लिए होती है, उन लोगों के लिए होती है जो गाय बकरियां वगैरह एक साथ लेके जाते हैं, किस लिए, घास वास खाने के लिए, गाय वाय को लेके जाता है, जाया जाता है ना, तो उनको इसलिए ले जाते हैं कि वो इधर उधर ना जाए, उन्हें एक साथ एक ही जगह पे रखा जाए। वो हॉर्स के लिए नहीं होता है, हॉर्स को जैसे आप ट्रीट करोगे हॉर्स वैसे ही आपके साथ रहेगा। तो जो उसके साथ दूसरा हॉर्स होता है, वो उसे बोलता है कि आप क्यों ना ऐसा करो, इस बच्चे के साथ बैड ट्रीटमेंट आप भी करो, क्यों नहीं आए इसको गिरा, मतलब आपने इस पर तो गिरा कर किक कर दो, घोड़ा तो हमेशा ही किक कर देता है। वो सारी चीजें बताता है, वो कहता है नहीं, मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे मास्टर बहुत ट्रस्ट करते हैं। वो कहते हैं मैंने एक बार सुना था वो एक मैडम से बात करते हुए कि आप बेफिक्र होके यहाँ से चलिए, आपको कोई भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जो हमारे हॉर्स है मैरी ये कभी भी बच्चों को हार्म नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैंने इसे कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं किया जैसा ये दूसरों को ट्रीट करता है, मैंने हमेशा इसे ऐसा ही ट्रीट किया है कि ये दूसरों के लिए भी फेथफुल रहे और अच्छे तरीके से बिहेव करे। तो हॉर्स बोलते हैं कि मैं कभी भी दूसरों को हार्म नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे मास्टर को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है, वो
मेरे साथ छोड़ देते हैं हमेशा कि बच्चे मेरे साथ खेलते रहते हैं, तो मैं उन बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो शायद हो सकता है कि मेरे मास्टर मुझे छोड़ दे या मैं यहाँ से अलग रहना शुरू कर दूँ, मेरे को यहाँ से छोड़ दिया जाएगा और मैं इस फील्ड में नहीं रह पाऊंगा जो मेरे पास हमेशा आते हैं, स्टेबल में आते हैं। स्टेबल होता है जो हॉर्स का घर होता है बना हुआ, उसमें आते हैं, वो मेरे को फूड भी देते हैं, मेरी देखभाल करते हैं। अब मैं उनका ही ट्रस्ट अगर ब्रेक करूंगा, उनके ट्रस्ट पे और उनके ट्रस्ट नहीं रखूंगा तो क्या होगा, मेरी कंडीशन खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें वो जब दूसरे ब्लैक हॉर्स को बताता है, उसके बाद ही उसके माइंड में यही चीजें आती है कि अगर बच्चे कुछ भी मेरे साथ करेंगे तो मैं उनके साथ बैड ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, हमेशा उनके साथ अच्छे तरीके से रहूंगा। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का सीधा मोटिव यही है कि अगर आपके पास कोई भी एनिमल वगैरह, अगर आप उसको ट्रीट जैसे करोगे, जरूरी नहीं है वो आपका ही पैट हो, किसी का भी पैट हो सकता है, उसको आप जैसा ट्रीट करोगे वो आपके साथ वैसा बिहेव करेगा। जो एनिमल्स होते हैं वो भी उनमें वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही होते हैं, उनको भी देखभाल की जरूरत होती है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। आपको स्टोरी अच्छे से पूरा चैप्टर रीड करना है और समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।